हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरे इस वीडियो में। आज मैं लेकर आ गया हूँ महा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम परीक्षा क्लास टेंथ के लिए, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, साथ में उनके चित्र भी दिखाता रहूँगा मैं, जिससे कि आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाएँ। और ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैं इनको बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस लाया हूँ। तो देख लीजिए, इसका पहला प्रश्न जो दिया गया है आपका क्षारीय विलयन का पीएच होता है, तो यहाँ पर इसमें आपको बताना क्षारीय विलयन का पीएच कितना होता है। तो आप जानते होंगे अगर हम लिटमस पेपर को क्षार विलयन में डुबोते हैं तो वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसके चित्र में भी आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से आपका ये जो है ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, और यहाँ पर जो क्षारीय विलयन का पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है। इस तरीके से आपका ये वाला राइट आंसर हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपको अगला प्रश्न देखने को मिलता है, अगला खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, तो यहाँ पर आपको बताना है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप जानते होंगे खाने का सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट उसका नाम होता है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र, और यहाँ पर आपको दिया गया है बी नंबर में सोडियम यानी आपका NaHCO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बी नंबर आंसर जो है आपका सही हो जाता है। तो इस तरीके से आपका इसमें दूसरा वाला आंसर सही हो जाता है। फिर आपको तीसरा प्रश्न जो पूछा गया है एंटीमनी है, तो आप जानते होंगे एंटीमनी जो है वो है आपका उपधातु होता है, इसको जो मैं पीरियोडिक टेबल में भी दिखा दूंगा, अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल में भी इसका मैंने लाया है चित्र। तो एंटीमनी यहाँ पर आप देखेंगे इस पीरियोडिक टेबल में, देख लीजिए यहाँ पर ये आपको ये जो 51 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है एंटीमनी, यहाँ पर आपको दिया गया है 51 पे एंटीमनी, ये वाला ये आपका उपधातु है। यहाँ पर आप जो पीले वाले एलिमेंट से आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सभी उपधातु हैं, तो इस तरीके से ये जो आपका एंटीमनी है वो उपधातु हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया है अगला प्रश्न आपको, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो धातु है वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो आप जानते होंगे सक्रियता श्रेणी जो होती है उसमें जो ऊपर के तत्व होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं और नीचे के तत्वों को वो विस्थापित कर सकते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा आपको अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन आपको इस तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन लिखा गया है, तो इसके ऊपर तो आपको आयरन भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर मैग्नीशियम भी आपको देखने को मिल रहा है, फिर उसके ऊपर आपको यहाँ पर जिंक भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जो आपका एच के नीचे है कापर, तो यानी कि आपका जो कापर दिया गया है ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये इसमें का राइट आंसर आपका कापर हो जाता है इस तरीके से। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको अगला प्रश्न पूछा गया है ऐसी कौन सी धातु है जिसे पीटकर 0.0001 मिलीमीटर से भी कम मोटाई की पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं कापर और AU गोल्ड होता है, HG मरकरी होता है और K पोटेशियम होता है। तो यहाँ पर आपका जो कापर होते हैं उसके तार आपके बनते हैं लेकिन इतने पतले नहीं बन पाते हैं जितने कि सोना का बन जाता है, इसलिए इसका जो आपका यहाँ पर बी नंबर है, यहाँ सी टाइप है लेकिन बी आपका AU जो है वो राइट आंसर हो जाता है, यानी गोल्ड के बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बहुत ही पतले तार बनाए जा सकते हैं गोल्ड के, इस तरीके से इसका चित्र भी दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका सी नंबर जो यहाँ पर दिया गया है AU, वो आपका आंसर सही हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दिया गया है C2H6 का IUPAC नाम है, तो C2H6 का आपका जो IUPAC नाम है वो आपको बताना है। तो आप जानते होंगे कि अगर यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है C2H6 का IUPAC नाम है, तो अगला ये आपको यहाँ पर दिया गया C2H6 इसका आपको IUPAC नाम बताना है। तो आप जानते होंगे C1 के लिए आपको होता है मैथ से स्टार्ट होता है, फिर अगर आपका C2 है तो वहाँ पर एथ होता है, C3 हो तो प्रोप होता है, तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि C2 है, तो C2 है यहाँ पर एथ आपका इस तरीके से एथ पे आप टिक करिए, फिर लेकिन आप देखेंगे नीचे भी एथ है और यहाँ भी एथ है लेकिन एथाइन वो लिखा है, एथाइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, CC डबल मतलब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एथिलीन जो है आपका CC के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसे एथिलीन कहते हैं। यहाँ पर आपका जो एथेन है ये आपका राइट आंसर हो जाता है क्योंकि उसके बीच में CC के बीच में एकल बंधन द्वारा उसकी संयोजकताएँ पूरी हो रही हैं, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ये वाला हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन
में नहीं होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आप जानते होंगे जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी सभी संयोजकताएं जो होती हैं वो एकल बंध द्वारा आपका पूरी हो रही होती हैं। तो यहाँ पर आपका पहला जो विकल्प दिया गया है एकल आबंध, तो ये आपका नहीं, इसमें तो एकल बंध आबंध होता है, तो यहाँ पर पूछा गया नहीं होता है, वो चीज़ आपको बताना है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होती है। यहाँ पर चतुष्फलकीय संरचनाएँ ये तो होती हैं आपकी एकल बंध वाले में भी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी। यहाँ पर आपका कार्बन कार्बन परमाणु के बंध एकल बंध और इतने डिग्री डिग्री करके आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आप बनिएगा मत, ये भी आपका सही आंसर है। यहाँ पर आपका जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या नहीं होता है, तो आपका डबल बॉन्ड जो होता है वो नहीं होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे एल्काइन का सूत्र है, तो आपका एल्काइन का सूत्र आप देखेंगे तो यहाँ पर एल्काइन में आप जानते हैं कि C2H6 यहाँ पर आपका CnH2n आपका एल्कीन का होता है। अगर हम CnH2n-1 कर देते हैं तो इसका एल्काइन का सूत्र हो जाता है। यहाँ पर इस तरीके से इस फोटो में आप देख लीजिए इसका सूत्र दिया गया है, लेकिन यहाँ पर विकल्प हमको लग रहा है गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पर एल्काइन का यहाँ पर कोई भी विकल्प नहीं है, तो CnH2n-2 आपका ये राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर फोटो दिया गया है, इसमें आप देख लीजिए इसमें जो विकल्प है एल्कीन एल्केन एल्काइन, यहाँ पर CnH2n-2 ये वाला आपका सही आंसर हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दिया गया है एसिटिक अम्ल से क्रियात्मक समूह होता है, मतलब एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है, तो आपका एसिटिक अम्ल जो होता है वो आपका CH3COOH आपका एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, और इसी को हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर COOH इसका क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है 10वां नंबर, क्षार धातुएं हैं, तो इसमें बताना है आपको क्षार धातुएं कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप पीरियोडिक टेबल में समझ लीजिए कि क्षार धातुएं किन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर आप एस ब्लॉक में पहला ग्रुप ये जो देखेंगे, ये जो पहला ग्रुप होता है इसमें जितनी भी धातुएं होती हैं ये सभी आपकी क्षार धातुएं होती हैं हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि ये आपका हाइड्रोजन गैस और ये आपका ठोस भी होता है, लेकिन इसका जो स्थान है ये निश्चित नहीं है कि यहीं पर है, इसलिए यहाँ पर जो नीचे की धातुएं जितनी है लिथियम से लेकर आपकी यहाँ नीचे फ्रेंसियम तक जितनी भी आपकी धातुएं हैं ये सभी क्षार धातुएं होती हैं। और यहाँ पर आप दूसरे ग्रुप में देखेंगे तो ये आपकी क्षार मृदा धातुएं होती हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पहचान सकते हैं क्षार धातुएं कौन सी हैं। तो जितनी भी पहले ग्रुप में आपकी धातुएं हैं वो सभी क्षार धातुएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है विकल्प नंबर एक जिसमें बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये आपके दूसरे ग्रुप में आते हैं, तो ये क्षार मृदा धातुएं हैं, तो इस पर आपको टिक नहीं करना है, ये आपका गलत विकल्प हो जाता है। फिर आपका दूसरा विकल्प दिया गया है कि बी नंबर लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो आपका ये जो दूसरा विकल्प है इसके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पहले ग्रुप से संबंधित हैं, तो इसका आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाता है। और आपका सी नंबर जो है बेरियम एल्युमिनियम गैलियम ये आपका एकदम गलत हो जाता है, यहाँ पर आपका ये आपका तेरहवें ग्रुप में आता है। फिर आपका ये जो डी नंबर ऑप्शन है ये यहाँ पर आपका कॉपर Ag और Au ये भी आपका गलत आंसर हो जाता है। तो पहला आंसर आपका ये जो बी वाला है लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये आपका एस ब्लॉक के आपका पहले ग्रुप में जितने भी तत्व होते हैं वो सब क्षार धातुएं होते हैं, तो इस तरीके से इसका आंसर बी। अगला प्रश्न आपको दिया गया है क्वेश्चन आगे शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान आप जानते होंगे कि शुद्ध जल के लिए कि ये आपका जो शुद्ध जल होता है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन भी होता है, तो यानी इसमें कोई भी स्वाद नहीं होता है, ना क्षारीय होता है ना फिर खट्टा होता है आपका। तो इसके लिए जो राइट विकल्प हो जाएगा सी वाला हो जाएगा क्योंकि 7 इसका जो पीएच मान 7 होता है उस पर सभी चीज़ें उदासीन होती हैं, उसमें कोई भी आपका ना क्षारीय होता है ना ही आपका जो होता है खट्टेपन में होता है, तो यहाँ पर आपका सी नंबर आंसर सही हो जाता है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है क्षारीय विलयन का पीएच होता है, तो क्षारीय विलयन का पीएच जो होता है वो आपका 7 से अधिक होता है, तो यहाँ पर आपको फोटो में भी दिया गया है यहाँ 7 से जितने भी अधिक में है वो आपका पीएच जो 7 से अधिक है वो क्षारीय विलयन कहलाते हैं, तो इसका डी नंबर आंसर जो है वो आपका सही हो जाता है। फिर आपको यहाँ पर पूछा गया है 13वां प्रश्न है ये पर तनु यहाँ पर लिखा है, लेकिन आपका जो होगा विरंजक चूड़ पर, ये यहाँ पर आपका लिखा गया है विरंजक चूड़ की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है, तब आपको यहाँ पर आपको
आपका क्लोरीन प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, विरंजक छोड़ की जब क्रिया हम कराते हैं H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो यहाँ पर आपको कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है, साथ में आपका क्लोरीन गैस भी प्राप्त होता है, H2O भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सी गैस निकलती है, गैस निकली आपकी क्लोरीन गैस। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर सी हो जाता है, क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर अब आपको अगला प्रश्न देखना है, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। ये पहले वाला आपका फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लेकिन इसमें कुछ विकल्प आपको बदले गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी धातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। तो इसमें से आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, तो आपका जो ये AU है, ये आपका आता है हाइड्रोजन से नीचे, तो यानी ये आपको हाइड्रोजन से विस्थापित, मतलब कि आपका अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। और ये दो, ये तीनों जो ऑप्शन है आपके सही, मतलब गलत हैं इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें पूछा था कौन आपका इसमें से विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें आपका ऊपर सभी तत्व तो मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर AU जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है, इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है AU, क्योंकि ये आपको हाइड्रोजन से, मतलब कि आपका जो अम्ल है उससे हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न दिया गया है 15वां नंबर, CH3CH2CH2 और ए सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर सभी बंद पूरे हैं। फिर यहाँ पर लास्ट में दिया गया, ये अगला जो दिया गया है यहाँ पर, कि CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CCH3। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इसमें पूछा है कि प्राथमिक अनुलग्न कौन सा है। तो प्राथमिक अनुलग्न आप जानते हैं एन इन आइन ये सब लगते हैं। तो इसमें इस तरीके से ये जो आपका प्राथमिक अनुलग्न है, तो यहाँ पर पहला नंबर अगर इधर कार्बन को एक देंगे, इस वाले को दो देंगे, तो यहाँ पर आपका दूसरे के पास देखेंगे तो डबल बॉन्ड लगा है, तो यहाँ पर 2N इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि इस सिंगल बॉन्ड के लिए आपका N होता है और आपका डबल बॉन्ड के लिए होता है N, सिंगल बॉन्ड के लिए होता है, एकल बंध के लिए N होता है, फिर आपका हो जाता है डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो यहाँ पर दूसरे कार्बन से लगा हुआ है इन, तो यहाँ पर 2N आपका राइट आंसर हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दिया गया है, वसा का आंशिक पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है। तो वसा का आंशिक पाचन जो है आपके आहार नाल के किस भाग में होता है, यहाँ पर बताना। तो आपका ये आहार नाल हो जाता है, यहाँ पर आप देख लीजिए चित्र में आहार नाल, ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, यहाँ से लेकर पूरा ये आहार नाल है, तो यहाँ पर ये जो लाल लाल गया ये आहार नाल, लेकिन आंशिक पाचन यहाँ पर पूछा गया है किस भाग में होता है वसा का। तो आंशिक पाचन जो वसा का होता है ये आपका अमाशय में होता है, जिसे पेट भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाता है, अमाशय में। तो राइट आंसर ए, अमाशय, इस तरीके से आपको टिक कर देना है। फिर यहाँ पर आगे आपको दिया गया है, यकृत द्वारा क्या स्रावित होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन कलर का ये जो हल्का सा छोटा सा बना हुआ है वो यकृत आपका, यहाँ पर यकृत है, यहाँ से यकृत ये जो रेड कलर का है, यहाँ पर ये रेड कलर का आपका यकृत होता है, और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का है ये आपका पित्ताशय। तो यकृत से जो स्रावित होता है वो पित्त रस होता है, इस तरीके से इसका पित्त रस, यहाँ पर आपका जो पित्त रस आपका विकल्प दिया गया है ये वाला सही हो जाता है। तो यहाँ पर यकृत द्वारा क्या स्रावित होता है, पित्त रस। तो यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। यहाँ पर विकल्प दिया गया है, समस्त जीवों में, समस्त पादपों में, समस्त हरे पादपों में, या फिर डी ऑप्शन दिया गया है दोनों, बी व सी। बी, बी में क्या पूछा गया है, समस्त पादपों में, समस्त हरे पादपों में। तो यहाँ पर आपको जो पहला विकल्प दिया गया है समस्त जीवों में, तो समस्त जीवों में आपका प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। और इस तरीके से यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है समस्त पादपों में, तो आप जानते हैं कि पौधे जो होते हैं वो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर और नीचे दिया गया समस्त हरे पादपों में, तो वो हरे पादप होने की वजह से ही इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरा कर पाते हैं, इसीलिए ये आपके जो डी नंबर ऑप्शन है ये वाला सही हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा गया है ऊर्जा की मुद्रा है, तो ऊर्जा की मुद्रा जो होती है वो ATP होती है, ये आपका सही आंसर हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर पूछा गया 20 नंबर प्रश्न में,
तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य का हृदय एक मिनट में धड़कता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, 72 से 75 बार। तो स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो सामान्यतः धड़कता है वो 72 से 75 बार धड़कता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 22 नंबर, पत्तियों से बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है, जाइलम द्वारा, केमियम द्वारा, फ्लोएम द्वारा। तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि जाइलम द्वारा आपका जल का स्थानांतरण होता है पौधों में, लेकिन फ्लोएम द्वारा जो होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन, फ्लोएम द्वारा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि पत्तियों द्वारा जो खाद्य पदार्थ बना होता है पौधों में, उन्हें उसका स्थानांतरण यानी कि हर जगह उसके पार्टों में भेजने का काम आपका फ्लोएम का होता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ये हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम द्वारा अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड एकदम पूछा गया है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किसके रूप में होता है। तो आप जानते होंगे फ्लोएम द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। तो इस तरीके से आपका ये राइट आंसर हो जाता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर पूछा गया शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो जो आपका शुद्ध रुधिर होता है उसको विभिन्न भागों में कौन सी सिराएं या फिर धमनियां ले जाती हैं, कौन सी नसें ले जाती हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला विकल्प दिया गया है सिराएं। तो आपका जो रुधिर को ले जाती हैं तो सिराएं, अधिकतर जो सिराएं हैं वो सभी आपका जो शुद्ध रुधिर नहीं होता है उसे ले जाती हैं, और दायां द्वारा आपका शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है, शुद्ध रुधिर ले जाया जाता है। तो यहाँ पर आगे अब आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पराग कोष में होते हैं। तो पराग कोष में आपका क्या होता है ये आपको बताना है। तो पराग कोष में परागकण होते हैं, आपका राइट आंसर यहाँ पर ये वाला हो जाता है कि पराग कोष में परागकण होते हैं। फिर आगे आपका प्रश्न पूछा गया, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो यहाँ पर आपको पुष्प का चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि पुष्प का कौन सा भाग आपका जो है निषेचन के बाद आपका ये आपका आपका पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो आप जानते होंगे कि जो पुष्प का अंडाशय होता है ये वाला भाग यहाँ पर आपका ये आपका फल में बदल जाता है। तो यहाँ पर अंडाशय इस तरीके से इसका राइट आंसर आ जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है, नर जननांग अंगों से संबंधित ग्रंथि है। तो आपकी ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये आपका नर जननांग से संबंधित आपका ग्रंथि है, संबंधित ग्रंथि है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि नहीं है। तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधि जो नहीं है वो है वैसेक्टॉमी। तो इसका आंसर आपका डी वाला विकल्प सही हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है, जंतुओं में निम्न में से कौन सा जनन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका जंतुओं में पूछा गया है, तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि जंतुओं में जो होता है अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। फिर आगे अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो मेंडल ने मटर के पादपों के कितने पर जो विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। तो मेंडल ने जो पादप आपके मटर के पादप के विपर्यासी लक्षणों का, तो 7 लक्षणों का आपका उन्होंने परीक्षण किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका चित्र भी दिया गया है कौन कौन से 7 थे। तो यहाँ पर आगे हम अगले प्रश्न में देखते हैं। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से किस पादप का उपयोग किया था। तो आपने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि मटर के पादप का विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था, इसलिए यहाँ पर जो अनुवांशिकता के प्रयोगों के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सा पादप का उपयोग किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मटर का पादप जो था उस पर इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो इसी पर किए थे। फिर आपका एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। तो आपका इस पे पूछा गया है, जीन प्रारूप अनुपात जो उसके जीन में परिवर्तन है वो कितना हो रहा है, उसको आपको जीन के जो प्रारूप अनुपात है उससे आपको व्यक्त करना है। तो यहाँ पर इसके जीन का प्रारूप जो होता है 1:2:1 होता है, ये आपका बी नंबर आंसर सही हो जाता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है यहाँ पर अगर इसके लक्षण प्रारूप, तो यहाँ पर 3:1 होता है लक्षण प्रारूप, लेकिन यहाँ पूछा गया है जीन प्रारूप, इसलिए ये आपका बी नंबर आंसर आपके यहाँ सही हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मनुष्य के शुक्राणु की ऑटोसोम की संख्या होती है। तो आप जानते होंगे जो शुक्राणुओं की ऑटोसोम की संख्या होती है वो 22 होती है। तो यहाँ पर बी नंबर आंसर आपका सही हो जाता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मटर के पादप में लंबेपन का लक्षण होता है।
तो आपके जो मटर के पादप होते हैं उसमें लंबेपन का जो लक्षण है वो होता है प्रभावी लक्षण। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है द्विसंकर संकरण के लिए लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप अनुपात बताना है। तो आपका जो द्विसंकर संकरण होता है उसका फिनोटाइप अनुपात होता है यहाँ पर 9:3:3:1। तो ये आपका सी वाला आंसर सही होता है। और इसको आप अगर आपको याद करना है तो यहाँ पर 93:31 इस तरीके से याद कर लीजिए कि आपका ये जो है लक्षण प्रारूप है। लेकिन अगर द्विसंकर संकरण का आपका जीन प्रारूप पूछता है तो 12:12:24:12:1 ये आपका जीन प्रारूप हो जाता है आपका। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न पूछा गया प्राकृतिक वरण द्वारा जातियों के विकास की परिकल्पना दी थी। तो प्राकृतिक वरण द्वारा जो जातियों की विकास की परिकल्पना जिसने दी थी वो है डार्विन। आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। तो इस तरीके से आपका हो जाता है। फिर अगला प्रश्न आपको पूछा गया है फिजिक्स का ये क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल आप जानते होंगे यहाँ पर आपका 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इस तरीके से आपकी निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाती है। फिर आपको अगला प्रश्न पूछा गया है उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो आपका जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो आपका वास्तविक नहीं बनता है लेकिन आपका आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी व सीधा बनता है आपका जो प्रतिबिंब होता है वो आभास। आपका अगला प्रश्न दिया गया है 38 नंबर उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो उत्तल दर्पण से जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो आपका आभासी व सीधा बनता है। आभासी यानी कि जो आपका दर्पण के अंदर दिखाई देता है जो आपको प्रतिबिंब वो आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो आपका दर्पण के बाहर दिखाई दे किसी पर्दे वगैरह पे आपका जो प्रतिबिंब बनता है तो वो आभासी नहीं वास्तविक हो जाता है। और यहाँ पर आभासी यानी कि जो शीशे के पीछे आपको अंदर शीशे के अंदर प्रतीत होता है कि शीशे के अंदर प्रतिबिंब बना हुआ है तो वो आपका आभासी होता है। और उत्तल दर्पण में आप देखे होंगे कि सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होता है आभासी व सीधा ये बी नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाता है। फिर आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आपका कैसे बनता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है वस्तु की स्थिति पर, दर्पण के सामने वस्तु की दोगुनी स्थिति पर, और दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति के आधी दूरी पर। यहाँ पर बाद ही लिखा है लेकिन आधी होगा ये आपका आधी होगा। और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन जो दिया गया है दर्पण के पीछे, तो उत्तल दर्पण द्वारा के सामने अगर उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ पर आपने देखा भी था कि इस दर्पण में जो आपका चित्र बन रहा है वो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है यानी कि हमको दर्पण के अंदर दिखाई दे रहा है कि चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका दर्पण के पीछे इसका चित्र बनता है यानी प्रतिबिंब बनता है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कांच के अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक किस कलर के लिए अधिकतम होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्रिज्म देख रहे हैं उसमें जब प्रकाश श्वेत प्रकाश किरण डाली जाती है तो यहाँ पर सभी जो कलर होते हैं आपस में बट जाते हैं अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो लाल कलर होता है उसका अपवर्तनांक जो होता है सबसे कम होता है लेकिन बैंगनी कलर का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है बैंगनी के रंग के लिए। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है इसका कारण क्या है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो आपका यहाँ पर कलर मुड़ जा रहे थे ये किस कारण मुड़ जा रहे थे, अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पर आपका जो इस वाले क्वेश्चन में है जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है इसका कारण क्या है, तो यहाँ पर आपका बताना है कि अपवर्तन जो होता है इसका कारण है अपवर्तन। क्योंकि प्रकाश अपवर्तित होकर के जब हमारा यहाँ पर आता है जल से जब अपवर्तित होकर के आता है तो वो जो हल्का सा होता है अपने अच्छे से मुड़ जाता है। तो इस तरीके से आपका इसका राइट आंसर हो जाता है ए अपवर्तन। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है दूर, तो यहाँ पर अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है दूर दृष्टि के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो दूर दृष्टि के कारण जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है रेटिना के पीछे, इस तरीके से ऑप्शन देख लीजिए रेटिना के पीछे आपका जो दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे यहाँ पर बनता है। और
यहाँ पर अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य का जो स्वस्थ नेत्र होता है उसमें जब स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है, जिससे हमें स्पष्ट चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए वाला हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये आपका प्रतिबिंब जो बना है वो रेटिना पर बना है। तो इस तरीके से फिर अगला आपका प्रश्न दिया गया है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु होता है। तो दूर बिंदु जो होता है आपका निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का वो होता है अनंत पर होता है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वो किस तरीके का बनता है। यहाँ पर आपको बताना है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा, आभासी उल्टा। तो आपका जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपको पूछा गया है, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है ये आपका होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। तो यह आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि जो प्रोटॉन है उस पर आपका +1.6×10⁻⁻ होता है कूलम, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आपका माइनस लग करके होता है, और यहाँ पर ये प्लस है, प्रोटॉन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस। तो इस तरीके से आप जान लीजिए। और फिर आगे अगला प्रश्न आपको दिया गया है 48 नंबर 1। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये वाला होता है, या फिर आपका टेस्ला, ये भी आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, या फिर गॉस, ये जो आपके चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। और आगे आपको जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में कराने वाले हैं, तब तक अभी तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर तक अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।